बागपत जिले के हथियारों के साथी वे प्रदर्शन करने और वे फिर फोटो वायरल करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां थाना बिनौली क्षेत्र में से एक बार फिर वे कुछ युवकों ने फोटो वायरल हुए हैं, लेकिन इन फोटो से वे पुलिस महकमे के हड़कंप मच दिया है। और वह क्योंकि फोटो में से एक युवक जिसका नाम अमित बताया जा रहा है अपने हाथ में से इंसास लेकर फोटो शूट कर रहा है, और वह इंसास वह असला है जो कि वह सिर्फ वह अर्धसैनिक बल के पास ही होता है। ऐसे सवाल है कि युवक के पास इंसास कहां से आई है। और वही दूसरे फोटो में से तरुण नाम का युवक जो अपनी वह कनपटी पर पिस्टल लगाकर सेल्फी ले रहा है, जिसके बाद दोनों युवकों ने वह फोटो सोशल साइट पर वह अपलोड भी किया है और जिसके बाद में वायरल हो गए हैं। और वही इस बात के लिए वह एसपी के लिए बागपत से बात की गई है। तो एसपी के मुताबिक दोनों युवक थाना बिनौली क्षेत्र के सिरसली के गांव के रहने वाले हैं और फोटो चुनाव ड्यूटी के दौरान इसी जवान के सास के साथ शूट की बात कर रहे हैं। फोटो वायरल हो रही है, एक में एक व्यक्ति इंसास, एक जो नवयुवक है वो इंसास के साथ खड़ा हुआ दिखाया जा रहा है और दूसरे में एक पिस्टल के साथ। ये बिनौली थाने के अंतर्गत पता किया गया है, तो बिनौली थाने के अंतर्गत सिरसली गांव का है प्रकरण। इसमें जो एक व्यक्ति अमित पुत्र मुन्नर, उसके हाथ में इंसास से बताया ये जा रहा है कि ये चुनाव के दौरान की वीडियो है जो इस समय कहीं से निकाल करके वायरल की जा रही है। उस समय जो सिक्योरिटी फोर्सेस में लोग आते हैं उसमें से किसी से लेकर के उसने ये फोटो खिंचवाई है, उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सच्चाई निकल के सामने आए। दूसरा जो व्यक्ति पिस्टल लिए हुए उसकी भी पहचान हो गई है, तरुण पुत्र चंद्रपाल है, सेम गांव का है, सिसली गांव का है, उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे वो मिल जाते हैं तो पूरा घटनाक्रम समझ में आएगा कि ये इनको ये असलहे कहाँ से मिले। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो यही है कि ये पुरानी वीडियो 2018 की वीडियो जिसको अब वायरल किया गया है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए।